गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम हमारी फोर्थ क्लास का थर्ड चैप्टर केयर्स ऑफ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन, हमारा जो शरीर है वो एक आश्चर्यजनक मशीन है। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ इम्पोर्टेंट, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, यानी हमारे शरीर का प्रत्येक भाग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी केयर करनी चाहिए। वी शुड कीप एवरी बॉडी पार्ट नीट एंड क्लीन, यानी हमें हमारे शरीर का प्रत्येक भाग है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना चाहिए। सबसे पहले हम केयर ऑफ टीथ, यानी दांतों की देखभाल किस प्रकार करेंगे वो पढ़ेंगे। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, यानी हमें हमारे दांतों पर दो टाइम ब्रश करने चाहिए दिन में, सबसे पहले इन द मॉर्निंग में और रात्रि को सोने से पहले। केयर ऑफ बॉडी, शरीर की देखभाल किस प्रकार करेंगे। वी मस्ट टेक बाथ डेली, हमें डेली स्नान करना चाहिए। वी शुड यूज़ गुड एंटीसेप्टिक सोप टू क्लीन आवर बॉडी पार्ट्स, यानी हमें अच्छे जो एंटीसेप्टिक सोप्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए हमारे शरीर को क्लीन रखने के लिए। वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। केयर ऑफ फेस, यानी हमारे मुंह की देखभाल किस प्रकार करें, जो चेहरा है उसकी। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर फेस, यानी हमें हमारे चेहरे की देखभाल भी करनी चाहिए। वी शुड वॉश आवर फेस विद वाटर 3-4 टाइम्स ए डे, स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम समवेयर, बिकॉज डिजीज कॉजिंग जर्म्स आफ्टर सॉरी अफेक्ट स्किन, यानी कि वी शुड वॉश आवर फेस विद वाटर, यानी हमें हमारे चेहरे को 3-4 बार यानी दिन के अंदर पानी से धोना चाहिए, क्योंकि हमारे चेहरे के ऊपर जो स्किन है उस पर यानी जो जर्म्स हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं, तो इस यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो डस्ट से हमारे चेहरे पर जर्म्स जो हैं वो जम जाते हैं, इस कारण से हमें हमारे चेहरे को 3-4 बार धोना चाहिए। वी शुड ऑल्सो क्लीन आवर आईलिड्स एंड ईयर लॉब्स प्रॉपरली, यानी जो हमारी आँखों की पलके हैं और हमारी आँखों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। केयर ऑफ हेयर, बालों की देखभाल किस प्रकार करें। वी लुक स्मार्ट इन गुड हेयर, यानी कि हम हमारे बालों में अच्छे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। हेयर प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड कोल्ड, यानी बाल जो हैं वो हमारे सिर की डायरेक्टली यानी सुरक्षा करते हैं सनलाइट सूर्य से और कोल्ड ठंड से। वी शुड वॉश आवर हेयर विद गुड शैम्पू, यानी हमें हमारे बालों के लिए अच्छा शैम्पू यूज़ लेना चाहिए। वी शुड ऑयल एंड कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली आफ्टर टेकिंग बाथ, यानी हमें बालों में अच्छी तरह से तेल डालना चाहिए और कंघी करनी चाहिए नहाने के बाद। केयर ऑफ हैंड्स एंड फिट, यानी हाथों और पैरों की देखभाल। वी यूज़ आवर हैंड्स इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज सो दे बिकम अनक्लीन, यानी हमारे जो पैर हैं वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करने के बाद बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फिट विद एंटीसेप्टिक सोप आफ्टर प्लेइंग, यानी हमें खेलने के बाद भी हमारे हाथों और पैरों को एंटीसेप्टिक सोप से साफ करना चाहिए। वी कम इन कॉन्टैक्ट विद मैनी डिजीज काजिंग जर्म्स ड्यूरिंग प्लेइंग, क्योंकि हम खेलने के दौरान जर्म्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, इस कारण से हमें एंटीसेप्टिक सोप से वॉश करना चाहिए। ईटिंग फूड विद अनक्लीन हैंड्स मेक अस इल, ईटिंग फूड विद अनक्लीन हैंड्स, यानी अब अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो वो हमें बीमार कर सकती हैं। केयर ऑफ नेल, यानी नाखूनों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स वीकली बिकॉज डिजीज काजिंग जर्म्स लिव इन द नेल्स, यानी कि हमें हमारे जो नेल्स हैं उनको वीकली यानी साप्ताहिक रूप से यानी सप्ताह में एक बार नाखूनों को काटना चाहिए, क्योंकि नाखूनों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जर्म्स हैं उनसे बीमारियाँ फैलती हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया है लेटेस्ट आंसर में, व्हेन शुड वी ब्रश आवर टिथ, यानी हमें हमारे दांतों पे ब्रश कब करनी चाहिए, तो कितने टाइम। वी मस्ट ब्रश आवर टिथ ट्वाइस ए डे, यानी कि एक दिन में दो बार हमें ब्रश करनी चाहिए। वी शुड वी यूज़
टू वॉश आवर हेयर, यानी कि वी शुड यूज़ ए गुड शैम्पू वॉश आवर हेयर, यानी हमें अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए हमारे बालों के लिए। केयर ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनकी देखभाल किस प्रकार से करें। बच्चों हमने पढ़ा था कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है, स्किन्स हैं, इनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नाउ अबाउट द वर्ल्ड्स, यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें वर्ल्ड को जानने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। वी शुड वॉश आवर आइज़ विद कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन ए डे, यानी हमें हमारी आँखों को ठंडे पानी से दिन में काफ़ी बार धोना चाहिए। वी शुड नॉट रब आवर आइज़ विद हैंड्स और डर्टी क्लॉथ्स, यानी हमें हमारी आँखों को यानी कि गंदे हाथों से या गंदे कपड़े से रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। इट मे काज इन्फेक्शन, इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। समटाइम्स वी फील इरीटेशन इन आवर आइज़, देन वी शुड वॉश आवर आइज़ विद कोल्ड वाटर, यानी कभी कभार हमें हमारी आँखों में इरीटेशन फील हो तो हमें बिल्कुल ठंडे पानी से हमारी आँखों को धोना चाहिए। ईयर्स, वी शुड नेवर यूज sharp things like pin, मैच स्टिक्स टू क्लीन आवर ईयर्स, यानी कभी भी जो नुकीले वस्तुएं होती हैं जैसे कि पिन है, मैच स्टिक्स हैं, उनको हमारे कानों को साफ नहीं करना चाहिए उनसे। वी शुड यूज़ कॉटन बर्ड्स टू क्लीन ईयर्स, यानी कॉटन बर्ड्स आती हैं कानों को साफ करने के लिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। नोज, नाक, वी शुड नॉट इंसर्ट फिंगर्स इन टू आवर नोज़, यानी हमें नाकों के अंदर उंगलियाँ नहीं डालनी चाहिए। वी शुड क्लीन आवर नोज़ वेन वी बाथ और वेन वी वॉश आवर फेस, यानी हमें हमारे नाक को नहाते टाइम या फिर हमारा चेहरा धोते हैं उस टाइम साफ करना चाहिए। टंग, जो फोर्थ सेंस ऑर्गन है वो है टंग। वी शुड क्लीन आवर टंग विद टंग क्लीनर एवरी मॉर्निंग, यानी टंग क्लीनर जो आता है उसी से हमारी टंग साफ करनी चाहिए। स्किन, वी शुड बाथ डेली टू क्लीन डस्ट एंड स्वेट फ्रॉम आवर स्किन, यानी कि हमें रोज़ाना स्नान करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर से रोज़ाना जो स्वेट है, पसीना निकलता है, उसको साफ़ करने के लिए, डस्ट को साफ़ करने के लिए हमें स्नान करना चाहिए। द टिनी पोर्स ऑफ द स्किन विल क्लोज, देन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी विल नॉट बी रिमूव्ड प्रॉपरली, यानी जो हमारे शरीर के टिनी पोर्स बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं स्किन के अंदर, वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। देन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उनको पूर्णतः हटाने के लिए हमें रोज़ाना यानी कि स्नान करना चाहिए।